बैटरी खराब ही नहीं है, इफ अ बॉय राइड्स अ स्कूटर, आई पर्सनली लव राइडिंग अ स्कूटर, आई थिंक इट्स सुपर माइलेज. सवारी का हो रही है तो पोज हो रहा है, सवारी तो बाहर होती है ना मैम. लेकिन सर रणबीर. हाँ जी, हेलो सर, कैसे हो आप? सुना कैसे हैं? बस जब बॉयज थिंग्स से आपका क्या मतलब है? हाँ जी, एड में आता है सच ए बॉयज थिंग्स, तो आपके हिसाब से बॉयज थिंग्स क्या है? यू नो सर, काफी सालों से देखा जा रहा है कि जब हम स्कूटर के बारे में बात करते थे, सो इट वाज ऑलवेज यू से अ वुमन राइड्स अ स्कूटर, अ मैन राइड्स अ बाइक, बट आई थिंक आज जमाना इक्वालिटी के बारे में है. आई थिंक अ वुमन एंड मैन आर कम्प्लीटली इक्वल टू ईच अदर. यू सी सो मेनी वुमेन नाउडेज राइडिंग बाइक्स एंड सच हैवी बाइक्स, सो आई थिंक कोई खराबी नहीं है इफ अ बॉय राइड्स अ स्कूटर. आई पर्सनली लव राइडिंग अ स्कूटर, आई थिंक इट्स सुपर माइलेज, इट्स ईजी हैंडलिंग, स्पेशली जो हमारे मुंबई में जो ट्रैफिक है, पार्किंग स्पेस नहीं होती, इट्स रियली ईजी, ना गियर्स होते हैं, एंड आई थिंक इट्स, हाँ जी, सो आई थिंक इट्स इट्स ग्रेट. यू नो आई माई सेल्फ इंजॉय राइडिंग अ स्कूटर. द फर्स्ट गिफ्ट आई एवर गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स वॉज अ स्कूटी. एक स्कूटी आती थी वह जहाँ पेडल मार के वो स्कूटर चलती थी. सो या आई वुड एडवाइस एवरीवन हु वांट्स टू क्विकली गेट टू वर्क, हु डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ अ हेडेक ऑन यू नो कहाँ पार्क करे अपनी गाड़ी या चेंजिंग गियर्स इन ट्रैफिक, दे कैन ऑलवेज राइड समथिंग बिकॉज ये बॉयज की लाइफ ईजी है. पर जब स्कूटर कोई चलाता है तो ही हैज टू बी केयरफुल. ऑफ कोर्स वेयरिंग अ हेलमेट सर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक रोड सेफ्टी इज समथिंग वी ऑल मस्ट फॉलो. वी शुड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, वी शुड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड वी शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड आर यू हैप्पी विद द बॉम्बे रोड्स फॉर द स्कूटर? सर कौन हैप्पी है बॉम्बे रोड्स से? कोई तो हैप्पी नहीं है. एंड अब तो डर लग रहा है कि अब बारिश शुरू होगी तो क्या होगा, बट लाइक आई सेड वी ऑल होपफुल. हम सब होपफुल है कि इट विल ऑलवेज गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री विल गेट बेटर, एंड सो लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स. रणवीर, स्कूटी अकेले चलाना पसंद है या किसी लड़की के साथ? और अगर आपने चलाई है पहले तो किस किस को पीछे बिठा के चलाया है? मैंने एक्चुअली रॉकस्टार में चलाई थी एक बाइक. आई थिंक दैट्स द ओनली फिल्म वेयर आई हैव रिडन अ बाइक, बट आई थिंक अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि यू नो मैं किसी को डबल सीट लेके जाऊँ. आई एम स्टिल लर्निंग वो. और एक बैलेंस भी एक आर्ट होता है कि हाउ डू यू बैलेंस समबडी सिटिंग पिलियन. सो आई प्रेफर राइडिंग अलोन. रणवीर हाय, एक फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वहाँ पे कटरीना कैफ ने बाइक चलाया था. आपने कहा कि लड़कियाँ बाइक चलाती है तो अच्छा लगता है, तो यू नो शी रोड अ बुलेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो कभी आप कटरीना के पीछे बाइक पे बैठना चाहोगे? ऑफकोर्स, कौन कटरीना के पीछे बाइक पे नहीं बैठना चाहेगा, बट लाइक आई सेड यू नो इट्स वेरी हार्ड टू टेक समबडी डबल सीट. बहुत कंट्रोल होता है एंड बैलेंस होता है. अभी तक फिलहाल मैंने आई हैव नॉट टेकन एनीबडी डबल सीट, नॉर हैव आई रिडन अ मोटर बाइक व्हिच इज एज हेवी एज द बाइक शी रोड, बट जब आई गेस प्रैक्टिस अच्छी होगी तो देन आई विल प्रोबब्ली आस्क. रणबीर, पहला राइडिंग हमेशा याद रहता है, कौन से एज में आपने पहला बाइक राइडिंग करना हमेशा यादगार होते हैं? आपने कौन से टाइम में फर्स्ट राइडिंग किया था? जैसे मैंने कहा था जी, मैं आई थिंक जब मेरा आई थिंक 16 बर्थडे, मॉम एंड डैड हैड गिवन मी अ स्कूटी, लेकिन आई वाज़न अलाउड क्योंकि आई वाज अंडर एज टू राइड इट. तो जो मेरे घर का जो पार्किंग स्पेस है मैं वहीं चलाता था रोज़ स्कूल के बाद आके दो राउंड मार के. आई यूज़ टू फील के यू नो मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं आजकल मोटर बाइक चला रहा हूँ. तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ राइडिंग अ बाइक.